वीडियो के टाइटल को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, ब्लू लिंक्स देखेंगे, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ किए गए हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं निधि और आप मुझे देख रहे हो वर्तिका आनंद के चैनल पर। मैं डस्की स्किन पर मेकअप वीडियोस करके दिखाया करती हूं इस चैनल पर। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है कि पाउडर हाइलाइटर्स कैसे लगाते हैं स्किन पर, और साथ ही साथ मैं वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, ये जो हाइलाइटर है, इसका भी शॉर्ट रिव्यू दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो रिक्वेस्ट जो आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पर करके बताऊँ वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हाइलाइटिंग, ये टेक्निक क्या है इसे मैं बताती हूँ। हाइलाइटिंग वो होता है जब हम फाउंडेशन लगाने के बाद, जैसे आप मेरी स्किन देख सकते हो अभी एकदम फ्लैट लग रही है, उसमें डायमेंशन लाने के लिए जैसे हम कॉन्टोरिंग करते हैं स्लिम करने के लिए, उसी तरह जो स्ट्रक्चर्स है फेस के उसे उभार के जो लाना होता है उस लिए हम हाइलाइटिंग करते हैं। यानी जिस पार्ट पर फेस के लाइट गिरती है हमें उसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना है 3D मैनर में, हम वहाँ पर हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं ताकि वो पार्ट्स जो है, वो एरियाज़ जो है आपके फेस के, वो ज़्यादा उभर के आए और ज़्यादा हेल्दी लगे स्किन। तो हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं हाइलाइटिंग के लिए। अब हाइलाइटर्स बहुत सारे आते हैं मार्केट्स में, लिक्विड हाइलाइटर्स है, पाउडर हाइलाइटर्स है, क्रेम है, जेल है, और पता नहीं क्या क्या हाइलाइटर्स के नए नए टेक्निक्स आजकल आ रहे हैं। तो मेरे पास जो आज मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी वो होगा पाउडर हाइलाइटर। ये सबसे कॉमन हाइलाइटर मेथड है, सबसे आसान हाइलाइटिंग का मेथड है, वो है पाउडर हाइलाइट। और ये जो है पर्टिकुलर हाइलाइट, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, विच इज़ नथिंग बट हाइलाइटर है ये बेसिकली, इसे हाइलाइटिंग पाउडर कहा गया है। ये आपको पर्पल की साइट पे आराम से मिल जाएगा। इसका MRP 499 रुपीज़ है, बट आराम से सेल में आपको 380 से 400 रुपीज़ तक ये मिल जाता है। और ये जो हाइलाइटर है, ये शेड है प्रेशियस पेटल्स। इसमें और भी एक सुंदर शेड है, वो है ब्लॉसम ग्लो। जो फेयर स्किन है उनके लिए ब्लॉसम ग्लो जो शेड है वो बहुत सुंदर लगेगा, और जो डस्की स्किन है, डस्की से डीप स्किन टोन्स है, उन पर प्रेशियस पेटल्स बहुत सुंदर लगेगा। पर्टिकुलरली ये जो शेड है वो फेयर स्किन पर भी बहुत अच्छा जाएगा। ये वाला शेड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है यूट्यूब पर, आपको हर किसी के पास, हर किसी के वैनिटी में ये शेड ज़रूर दिखेगा। अगर आप चाहते हो एक हाइलाइटर खरीदना तो ये वाले ब्रांड से, ये जो हाइलाइटर पाउडर है, इसे ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो हाइलाइटर है वो थोड़ा सा अलग है, इसका शेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, थोड़ा सा गोल्ड बेस्ड है, इस वजह से ये डस्की स्किन पर बहुत ही सुंदर लगेगा। गोल्ड में सिल्वर फ्लेक्स और थोड़ा रोज़ गोल्ड फ्लेक्स भी है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो पैन में ये कितना ज़्यादा सुंदर है, और इस वाले में यहाँ पर आपको एक फ्लावर का एम्बॉसमेंट मिलता है पैन में, जो कि अब नहीं रहा मेरे इसमें पूरी तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। पर इतना ज़्यादा सुंदर हाइलाइटर है ये। और बेसिकली हाइलाइटर्स में भी ना अलग अलग टाइप्स आते हैं, कोई कोई शिमर वाले होते हैं, कोई कोई इसमें ग्लिटर होता है, पर ये जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और क्रेम जैसा लगता है, जैसे कि नेचुरली आपका स्किन ग्लो कर रहा है ना, वैसा इफेक्ट आता है इस हाइलाइटर से। मुझे पर्सनली ग्लिटर वाले हाइलाइटर्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि क्लियर दिखकर आता है, ठीक है, कोई सामने खड़ा है तो चमकी 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 दिखता है हर जगह, तो वो उतना अच्छा और अपीलिंग नहीं लगता। जबकि ये वाला जो हाइलाइटर है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है स्किन पर, और इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो फॉर्मूला है वो बहुत देर तक लास्ट करता है आपकी स्किन पे। हाइलाइटर जो है आप मेकअप के साथ भी लगा सकते हो, मेकअप के ऊपर, यानी सब मेकअप करके, या आप बेयर स्किन पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के, सनस्क्रीन लगा कर भी थोड़ा हिट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होने की वजह से ये वैसे बेयर स्किन पर भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि हाइलाइटिंग कहाँ किया जाता है। हाइलाइटिंग करने के बेसिक जो पार्ट्स है फेस के, पहले मैं वो इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है। इसके सेंटर में हम यहाँ पर लगाएंगे हाइलाइटर। ये जो टॉप होता है लिप्स का, उसे कहते हैं क्यूबिड्स बो, यहाँ पर लगाएंगे, चिन पर लगाएंगे, और फोरहेड पे, यानी माथे के बीच में, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ पे हम पूरा हाइलाइटर लगाएंगे, यानी ये आगे आता है, फॉरवर्ड में आता है, और बाकी ये जो एरिया है ये हमने कॉन्टोरिंग के वजह से ये पीछे जाता है, तो स्लिम लगता है फेस, ठीक है। और अभी चीक बोन्स जो होते हैं, आपको यहाँ पर आप अगर प्रेस करोगे तो आपको एक बोन फील होगा, इसे चीक बोन कहते हैं। इस चीक बोन पर हम ऐसे सी शेप में, ऐसे सी शेप में यहाँ पर अप्लाई करते हैं हाइलाइटर, और दोनों चीक बोन्स पर अप्लाई होने के बाद जो आपकी आईब्रो है, आईब्रो के नीचे भी अगर आप प्रेस करोगे तो आपको एक बोन फील होगा, इस बोन को भी हाईलाइट करते हैं ताकि आपका जो आई मेकअप है वो और ज़्यादा उभर के आए और डिमेंशन आए आपके आईज़ को। और जो ये इनर कॉर्नर्स होते हैं आईज़ के, अंदरी जो 1/3 पोर्शन है आपके आई का, यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइटर लगाते हैं ताकि
आईज ओपन लगे, ऐसा ना लगे कि सोकर उठे हो, तो इसलिए हम ये हाईलाइटर वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक जोन्स है जहाँ हम हाईलाइट करते हैं। अब हाईलाइटर करने के लिए जो टूल्स होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। इसे कहते हैं फैन ब्रश, ये इस तरीके से फैला हुआ ब्रश होता है, इससे भी आप हाईलाइटर लगा सकते हो। ये जो ब्रश है इससे हाईलाइटर जो है वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होके लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नहीं लग जाता। तो डेली बेसिस पे या आपको ऐसे ही कॉलेज के लिए बेसिक सटल अगर लुक चाहिए होगा तो आप ऐसे फैन ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पार्टी शार्टी करनी है, ज़्यादा हाईलाइटिंग करना है, तो आप ऐसा डेंस ब्रश जो है जिसमें ज़्यादा ब्रिसल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। ये है टेपर्ड हाईलाइटिंग ब्रश, इसमें ये ज़्यादा ब्रशेस पैक्ड होने की वजह से जो हाईलाइटर है वो ज़्यादा लगता है, बट इतना भी नहीं कि वो गंदा ऐसा एक पट्टी लगे, वैसा नहीं हाईलाइट करना है, हमेशा हमें ब्लेंड करना है। वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, पर ऐसे ब्रशेस भी होते हैं, इन्हें हम टेपर्ड हाईलाइटिंग ब्रश कहते हैं। और इसी ब्रश का छोटू वर्जन जो है, जो ये है, सेम वैसा ही है, ये टेपर्ड हाईलाइटिंग ब्रश है। अब मेरे ज़रा टेक्निक्स अलग है अप्लाई करने के, तो आप यही फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो सेंटर्स ऑफ फेस के लिए, पर मुझे जो है वो ऐसा छोटा ब्रश यूज़ करना पसंद है ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ कि मेरा हाईलाइटर कहाँ लग रहा है। क्योंकि क्या है ना, हाईलाइटर जहाँ लगेगा वो पोर्शन उभर के आएगा, वो पोर्शन चौड़ा दिखेगा, तो आप नहीं चाहते कि आप पूरा नाक भर दें हाईलाइटर से, वरना एक चमकदार ऐसा गोला सा लगेगा कुछ चेहरे पे जो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रिसाइज होने के लिए मैं छोटे ब्रशेस यूज़ करना पसंद करती हूँ। और फिलहाल मैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी वो और भी एक अलग है, इसे कहते हैं ड्यूओ फाइबर ब्रश। इसमें दो प्रकार के ब्रिसल्स होते हैं, ये ऊपरी जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं ये सिंथेटिक होते हैं, और इसके अंदर है ना यहाँ पर जो ब्लैक पोर्शन है ये एनिमल ब्रिसल्स होते हैं, जो अंदर के पोर्शन में होते हैं वो छोटे होते हैं हाइट में। तो ये ड्यूओ फाइबर ब्रशेज होते हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइटर लगाने के लिए। ये जो ब्रशेज है ना एकदम एयर ब्रश वाला लुक देते हैं और एकदम ब्लेंडेड लगता है, तो ये ब्रश और इस ब्रश, इस छोटे ब्रश का कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइलाइटर है, जैसे मैंने कहा बहुत ही पिगमेंटेड है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कोई भी प्रोडक्ट मेकअप में ज़्यादा नहीं लेना। धीरे धीरे करके बिल्ड ज़रूर कर सकते हो, एकदम से एक साथ ज़्यादा नहीं लेना, वरना ब्लेंड करने में मुश्किल होगी और कुछ नहीं। तो ये जो ब्रश है वो इस तरीके से मैं इसमें पैट कर रही हूँ, तो ये आ गया। पूरा ब्रश घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको उतना नहीं लगेगा, आप एवी वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, तो इस तरीके से पैट करने से इनफ आ जाता है, एक्सेस हम हमेशा डस्ट करेंगे। और फिर पहले मैं आपको बताती हूँ कि चीक बोन्स पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये जो लेना है और इसे ऐसे 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 पैट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने बेसिक स्टेप्स बताए थे बेस मेकअप करने के, कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से रगड़ना या घिसना नहीं है, आपको पैट 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 करना है, अपने आप ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैट 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 करो, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लो आ गया। एक बारी मैंने ऐसे पैट कर दिया ये सी शेप में। अब जो इसके ऊपर के ब्रिसल्स हैं मैं ऐसे ब्रश पकड़ रही हूँ, ठीक है। आप चेंज देखिए, पहले मैंने पैट किया, अब ब्लेंड करने के लिए मैं ऊपर का सिंथेटिक ब्रिसल्स यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करके मैं छोटे छोटे गोल 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 मोशंस यूज़ कर रही हूँ ताकि वो ब्लेंड हो जाए और ऐसा स्ट्रीक या पैच एक ऐसी भस कर की लाइन ना दिखे, इसलिए ऐसे गोल 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 मोशंस, आपको रगड़ना नहीं है, छोटे छोटे गोल गोल मोशंस यूज़ करने हैं। तो देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो गया और एक अच्छा सा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे, जो एकदम फ्लैट लग रहा था फेस वो अब नहीं लगेगा। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड पर भी करके बताती हूँ, थोड़ा लिया डस्ट किया, पैट 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 सी शेप में यहाँ पर, और फिर हम ब्रश को ऐसे पकड़ के इसे ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये फैन ब्रश यूज़ करना है तो उस लिए भी सेम है इसका, इस तरीके से फ्लैट साइड से पहले मैंने लिया डस्ट किया, ऐसे फ्लैट साइड से पहले पैट करना है हर जगह, ठीक है, और फिर बाद में ये जो ऊपर का टॉप है उससे ऐसे 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 से ब्लेंड करना है, सेम रूल है दोनों में। एक बार ही वो हो गया तो मेरे चीक बोन्स हाईलाइट हो गए, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर हाईलाइटर है ये, एकदम ही नेचुरल सा ग्लो लगता है, ज़्यादा चमकीला भी नहीं है वरना वो अच्छा नहीं लगता, तो बहुत ही सुंदर सा ग्लो है। तो अब हम फेस के सेंटर्स को हाईलाइट करेंगे, इसलिए मैं छोटा ब्रश यूज़ करना पसंद करती हूँ। फिर से हमें इसे लोड करना है, डस्ट करना है एक्सेस। अब जो नोज़ का हाईलाइटिंग होता है, हम हाईलाइटर वहाँ लगाएंगे जहाँ का रीजन जो है वो अंदर गया हुआ है, तो उसे 3D तरीके से बाहर लाने के लिए हम हाईलाइट करेंगे। अगर आपकी नाक टेढ़ी है या कुछ शेप जाड़ा है तो उसे पतला लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि सीधी और स्लेंडर नाक लगे। इस तरीके से आपकी नाक पतली दिखेगी कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग के कॉम्बिनेशन से। जो रीजन है ये अंदर की तरफ ऐसा अंदर गया हुआ है तो इसे हाईलाइट करूँगी मैं। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ, ठीक है,
एक बार ये यहाँ पे सेंटर में हो गया, एकदम मैं पूरा लाइन जो है वो ड्रॉ करना पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली, क्योंकि जब आप सामने देखते हो ना तो एक ऐसी सीधी लाइन दिखती है जो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी मैं एक एक्सक्लेमेशन जो होता है उस शेप में जाती हूँ, यानी एक छोटी सी लाइन और नीचे एक डॉट, डॉट आएगा आपके नोज़ की टिप पे, नोज़ की टिप को स्लेंडर और पतला नुकीला नाक हो वैसा दिखाने के लिए हम ये जो टिप है यहाँ पर सिर्फ ऐसे डिपॉजिट करके ब्लेंड करते हैं, यानी ये ऐसी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये हो गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपका नोज़ हाईलाइट हो गया। अब फिर से मैंने लोड किया और थोड़ा डस्ट किया, अब हम हाईलाइट करेंगे लिप्स पे, सेम तरीके से यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया और थोड़ा ब्लेंड कर दिया। फिर थोड़ा जो चिन पार्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरे डबल चिन पे ज़्यादा फोकस जाएगा, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, वो थोड़ा सा लगा के ये बड़े वाले ब्रश से ब्लेंड कर देती हूँ, ठीक है। और फिर बाद में आईज़ की बारी आती है, फिर से ये जो आईब्रो बोन है इसके नीचे मैं हाईलाइटर इस तरीके से लगाती हूँ, ये जो रीजन है ये इतना बस, आपका जो टेल है आईब्रो का वहाँ से लेके मिड आईब्रो तक बस आपके आईब्रो बोन पर ही हम हाईलाइट करेंगे। सेम यहाँ पर ना कॉर्नर्स पर हाईलाइट करना, थोड़ी आप आंखें बंद भी कर सकते हो वरना ब्रश अंदर चला जाएगा। जो इनर कॉर्नर है वो हाईलाइट करके मैं इस तरीके से इसे आई शेडो के साथ मर्ज करती हूँ, डिफ्यूज़ करती हूँ, ताकि एकदम स्टार्क ना लगे कि ऐसे दो डॉट्स लगा दिए, वैसा नहीं लगना चाहिए, सब कुछ ब्लेंडेड लगना चाहिए, इसलिए ऐसे लगा के अब देखिए ऐसे 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 स्वाइप करके मैंने उसे ब्लेंड कर दिया, यानी वो एकदम सेपरेटेड ना लगे और आपके आई शेडो में मिक्स्ड लगे, वो अच्छा लगता है उस तरीके से। तो आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम से, चाहे आप वीडियो फिर से शुरुआत से देखिए, मेरा फेस कितना ब्लैंक लग रहा था और अभी एकदम सुंदर एक साथ आ गया है मेरा फेस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है जब हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ। ऑब्वियसली मेरा फेवरेट पार्ट हाइलाइटिंग है और स्पेशली ये जो है ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500 रुपये के अंदर आता है और आए दिन सेल आती रहती है पर्पल पर। था मेरा शॉर्ट वीडियो कैसे हाइलाइटर लगाते हैं और साथ ही एक शॉर्ट रिव्यू इस वेट एंड वाइल्ड प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर पर। जैसे कि मैंने कहा था ये था शेड प्रेशियस पेटल्स ब्लॉसम ग्लो, जो शेड है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है फेयर स्किन टोन्स के लिए स्पेशली, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जो लिंक्स है प्रोडक्ट्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपको और कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी प्लीज़ बताना, और थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।